बन नहीं रही, बन नहीं पा सकते चलने। हर बार रुके रहो पीछे रहो कहाँ। एटीएम साहब मुझे सिर्फ इतना कहना है, हर बार ज्ञापन लेकर चले जाना और वो ज्ञापन टोकरी में चला जाना, इससे किसी का हित नहीं होता। संबंधित विभाग का जहां का मामला हो उस मामले पर तत्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर आंदोलन करने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या मैं ये समझूं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, इस देश का संविधान खतरे में पड़ गया है। मांग पत्र है मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले मांग पत्र जा चुके हैं, उसके पहले एक आंदोलन हो चुका है। क्या आखिर प्रशासन इन पर गौर करेगा? क्या सिर्फ मलाई काटने के लिए ये संविधान में व्यवस्था दी गई है? संबंधित मांग पत्र पर कितने दिन में कार्रवाई होगी उससे अवगत कराते मुझे, क्योंकि मांग पत्र का विषय नहीं बनता, विषय बनता है कार्रवाई का, जो उनके लेने के मामले में जिले के अन्य अधिकारी उनसे वार्ता करेंगे, संबंधित जिले स्तर के अधिकारी ही उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि हो सकता कोई तहसील फतेहपुर का मामला हो, तहसील रामनगर का हो, तो हमारे एक एसडीएम साहब यहाँ की कार्रवाई नहीं कर सकते, उन्हें जाएंगे कि अपन को छोड़ देंगे और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, कार्रवाई नहीं हो, ऐसी स्थिति में ज्ञापन देने का कोई मतलब नहीं बचता। एसडीएम साहब मुश्किल ले लिया, ये मान लिया कि यही होता है, ऐसा ही होता है। मैं भी एसडीएम रहा हूं, आप समूह के साथ हो, इस तरह से बात नहीं, नहीं समूह के साथ नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं, मैंने वो बात की है जो होता रहा है। वाली बात कर रहे हो तब भी मैं कह रहा हूं ज्ञापन पे कार्रवाई भी होती है, बहुत से लोग संतुष्ट भी होते हैं। नहीं हुआ, तीन तीन बार दिया एसडीएम साहब, कार्रवाई नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या समस्या थी, आप समस्या में बता रहा हूँ अभी तो एक माफी बताता हूँ। इस जिले में एक दुर्गता इन रेस्टोरेंट है, एक दुर्गता इन रेस्टोरेंट है रेलवे क्रॉसिंग के पास दिव्यंता, ये जमीन संघ की गई, संघ ने कभी भी सामान्य व्यक्ति हरजन बिरादरी से संघ नहीं कर सकता, ये चकबंदी के रूल में है, रूल 109 में उसको कर दिया गया, जो विधि विधिक नहीं है उस पर रिपोर्ट सदर की आई कि ये विधि विरुद्ध है, अगर विधि विरुद्ध है तो पूर्व जिलाधिकारी की पूर्व जिला पूर्ति अधिकारी की बीबी और जिला पूर्ति अधिकारी को जेल तक क्यों नहीं भेजा गया, या जमीन ग्राम सभा में क्यों दर्ज नहीं की गई? क्या भू माफिया बनने का अधिकार सिर्फ अधिकारियों को है? वो जमीन खरीद रहे हैं। मैं और एक चीज बता देना चाहता हूं उसके महोदय, इस जिले में शायद कोई जानता हो, इस जिले में बहुत लोग ये भी जानते होंगे और आप लोग चूंकि अधिकारी हैं जानते होंगे, एक यहाँ पूर्व आईएएस पूर्व आईएएस नहीं मैं कह रहा हूँ मौजूदा आईएएस है, सीनियर आईएएस है, उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय अपर मुख्य सचिव है जिनका नाम है श्री संभुना शुक्ला, उन्होंने यहाँ पर 100 बीघे अवैध जमीन कब्जा किया, हरियाणा की जमीन 143 कराई, पटियों की जमीन पर कब्जा किया, इस पर कार्रवाई करने की शायद आप सच्चा अधिकारी नहीं है जो आप अपर मुख्य सचिव पर कार्रवाई कर सके, इसलिए जांच रिपोर्ट कर देना है तो जिलाधिकारी इस पर वार्ता करें कि कब इनको न्याय दिलाएंगे, कब इस हरियाणा को वापस करेंगे। मामले आपके स्तर के नहीं है और अभी 3 महीना 7 में जिलाधिकारी महोदय हमारे बाराबंकी के जिलाधिकारी महोदय श्री अखिलेश तिवारी साहब ने 1-3 महीना 7 में मुकदमा लिखाया था, नकली खाद हमने फैक्ट्री पकड़ी थी और वो भी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के सामने अवैध कारोबार चल रहा था, कोतवाली पुलिस का मामला है लेकिन कोतवाली पुलिस ने तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एसडीएम साहब बताइए क्या इस पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? 3 महीना 7 बाद में अवैध खाद और नकली माल पड़ा गया, इन बनियों को बचाने का काम जिला प्रशासन क्यों करता है? क्या भाजपा संरक्षण दे रही है? क्या अधिकारी उनको संरक्षण दे रहे हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं पूछना चाहता हूँ। अभी तो कार्रवाई हो, उसके बाद और कार्रवाई है, जो यहाँ के दो भाजपा विधायक उनको भी जेल भेजने का काम आप ही को करना, आप ही को मुकदमा लिखाना है, क्योंकि उनके भी अवैध कारोबार आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। कार्रवाई संबंधित जो है सड़कों के मुद्दे पर जिला प्रशासन के नागंभीर वो बता दे कि सड़कों के बारे में वो मुख्यमंत्री जी से शासन से बात करके कत्ता की व्यवस्था कराएगा, उस पर भी बताए ताकि किसान हमारे बदहाल और परेशान और मुख्यमंत्री के कागार पे रहे। जो संबंधित अधिकारी है उसे वार्ता वही करे जो उस पर कोई निराकरण करने की स्थिति में हो और हमारे मुद्दों का समाधान कर सके। हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से, जब तक सच्चा अधिकारी नहीं आएगा हम लोग यहीं बैठेंगे।
मिशन सरदार पटेल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से नकली खाद का गोदाम पकड़ाया था। जिले के अधिकारियों ने भी वहां पर जाके पकड़ा था, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये है योगी सरकार का हाल। किसान भाइयों के ऊपर जिंदा रहने वाले, इनकी कमाई गाड़ी खाने वाले अधिकारियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या विधायकों का संरक्षण है? क्या योगी सरकार का संरक्षण है? क्या कोई रिश्तेदार उनका विधायक है? इसी वजह से नहीं हुई। अगर आम आदमी कोई क्राइम करता है, कुछ करता है, तो पुलिस उसे 24 घंटे प्रताड़ित करती है, दो दो हजार, पाँच पाँच हजार रुपए लेती है। मैं कहता हूँ कि 5,000 का 5,00,000 उससे ले लिए गए, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। लोग समझते हैं, आला अधिकारियों को समझना चाहिए कि अगर हम लोगों ने इतनी मेहनत से अपने संगठन से उस फैक्ट्री को, उस गोदाम को पकड़वाया था, तो अब तक वो बाहर क्यों है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या हम लोगों ने गलत किया था? हम किसान भाई बेवकूफ है? नकली खाद का कारखाना जिले में चल रहा था, इतनी मेहनत करके हम लोगों ने उसको पकड़ा, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने भी उसमें हिस्सा बंदरबाट किया है? ये बता दीजिए। हिस्सा में लिखा पड़ी है। हिस्से में यही लगता है कि कोई भी जितने भी अधिकारी है सम्मिलित जिले हुए हैं, इसीलिए उसको पकड़ अभी तक नहीं की गई। जब भी हम एप्लीकेशन लाता है, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आम आदमी किसान लेके आता है, पुराना है जो 3 महीने पहले सिद्धू साहब को दिया गया था, 3 महीने सितंबर और सितंबर दो पर किया गया था। उसके बाद अभी एक दिया गया था लगभग 25 से 27 को एडीएम कुमार सबसे मिला हुआ पर कार्रवाई की, उसमें कोई बड़ी हो गया जब तक हमारे कुछ मुद्दे नहीं होंगे तब तक हम जाने वाले नहीं। एडीएम साहब कहाँ है? सीडीओ साहब कहाँ है? हम ये नहीं जानते। जब उनको मालूम है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है उन बातों को रखने के लिए और उनको सुनने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए। मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं 10 मिनट इंतजार करूंगा और 10 मिनट में अगर एडीएम का उच्च अधिकारी सीडीओ साहब नहीं आए, वार्ता नहीं किए, तो मैं सीधा मुख्यमंत्री आवास के लिए पहुंच करूंगा। 10 मिनट में अगर नहीं आते हैं तो मैं चल रहा हूं। 10 मिनट केवल, 10 मिनट में संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे तो मैं अपने कार्रवाई के साथ लखनऊ कूच करूंगा, मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करूंगा। जय जय सरदार।